हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करा था और 19 मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, ठीक है ना। 19 में आपको कंप्लीट करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन दिया था हमें कि नैयर शर्मा एंड राम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड इक्वली। ठीक, पार्टनर है नैयर शर्मा एंड राम, तीनों इक्वली पार्टनर है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3:5 का फ्यूचर रेशो भी दिया हमें। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 lakhs। गुडविल भी हमें निकाल के दिए, हमें सिर्फ एक जनरल एंट्री बनाना। सबसे पहले हम नैयर शर्मा और राम रेशो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इक्वली पार्टनर है। इक्वली मतलब 1:1:1, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1:2:3, 1/3, 1/3 और 1/3 के तीनों क्या है, पार्टनर है इक्वली। न्यू रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। 2:3:5 और 5:10, 5 2 by 10, 3 by 10 और 5 by 10, ये ओल्ड और न्यू रेशो दोनों आ गया हमारा, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर गेनिंग का लगा लो या सेक्रीफाइस का लगा लो, ठीक है ना, जो आपकी इच्छा हो। चलो हम गेनिंग का रेशो फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले नैयर का है तो नैयर गेनिंग रेशियो, नैयर का गेनिंग रेशियो निकालना है, तो शर्मा का निकालेंगे और फिर राम का। अब हमें गेनिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड कितना दिया है 1/3 और न्यू 2/5, एलसीएम लेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5, 5, 3 और 3, 5 5 5 3 15, इधर 5 3 15 कॉमन आएंगे और 2 3 6। अब 5 में से 6 जाएगा, नहीं 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 1/15, बड़े डिजिट माइनस की, तो ये भी किसका आ जाएगा, माइनस का। ये इसका निकल आया नैयर का, ठीक है ना। अब शर्मा शर्मास गेनिंग रेशियो, तो फॉर्मूला भाई ये का ओल्ड माइनस न्यू, तो मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ने ओल्ड कितना दिया 1/3 - 3/5, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोनों का, मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो 15 आ जाएगा, 5 5 5 3 3 9, 5 में से 9 नहीं जाएंगे, 9 में से 5 पे है तो 4/15, बड़ी डिजिट माइनस की, तो ये भी कौन सा आ गया, माइनस का, ये दो के निकल आए। अब थर्ड राम राम्स गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला अभी भी नहीं कर रहा हूँ, एक बार लगा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। 1/3 - 5/5, एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, 5 5 5 - 5 3 15, ये हो गए। ठीक है ना, 2 3 5 5 और 5 10, मिस्टेक हो गई,
क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला भाई ये हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना, तो 1/3 माइनस 2/10, यहाँ भी 1/3 माइनस 3/10, 1/3 माइनस 5/10, एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करोगे 10 का यहाँ, यहाँ 3 का और यहाँ 3 का, तो 10 बन जाए 10 माइनस 30, फिर 2 3 6 और 30, 10 में से 6 का है तो 4/30, इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 3 3 9 और यहाँ 30, तो आ जाएगा 1/30, इसको सॉल्व करोगे आप तो 10 माइनस 5 3 15 अपॉन में 30, कल 10 माइनस 15, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 5 अपॉन में 30, या ये बड़ी डिजिट माइनस की थी, ये वाला माइनस का, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और मिस्टेक हुई है, ये निकला था क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आपसे, ठीक है ना। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस रेशो निकाला, वही फॉर्मूला, ओल्ड में से न्यू, 1/3 माइनस 2/10, 1/3 माइनस 3/10 और 1/3 माइनस 5/10, वही मेन प्रोसेस, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 10 बन जाए 10, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 कॉमन ले लिया तो 3 जा 6, 4/30, 1/30 और माइनस 5/30, ठीक है ना। ये आ गया हमारे रेशो तीनों के, मैंने कल भी बताया था जिसका नेगेटिव आएगा वो अपोजिट, मतलब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया तो ये भी सेक्रीफाइस हो गया, ये भी सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है ना। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस और ये गेनिंग, ठीक है ना। तो हमें कौन सा चाहिए, गेनिंग वाला, जो माइनस में आया हो। सेक्रीफाइस के फॉर्मूले में अगर कोई चीज माइनस के आती है तो वो गेनिंग होगी, और गेनिंग के फॉर्मूले में अगर कोई चीज माइनस के आती है तो वो सेक्रीफाइस होगी, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी गेनिंग। तो अब हमें कौन सा रेशो चाहिए, 5/30, ये वाले दो रेशो हम साइड में रखेंगे फिलहाल, ठीक है ना। फिर आप कर देता
राम के तो 50,000 आप डाल दो, ठीक है। अब नैयर के और शर्मा के आप किस हिसाब से डालोगे? इनके फोर रेशो निकाला था हमने, क्या निकला था? एक का 4/30 और दूसरे का निकला था 1/30, यही निकला था दोनों का, ठीक है ना। तो 4/30 या फिर 1/30, ठीक है। तो 30 हो रहा है दोनों का टोटल, नहीं हो रहा है क्या? तो ये क्या हो जाएंगे? 4:1, यही निकाला था जस्ट हमने, 4:1। अभी आप अगर इसके पहले वाला जो बोर्ड पे लिखा था उसी को देखोगे तो निकाला हम लोगों ने, ठीक है ना। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, फोर नैयर का, ध्यान लिख देता हूँ, नैयर और शर्मा, 4 और 1, तो 4/5, 1/5, 50,000 into 50,000, तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5, 4 का 0 multiply करा तो 40,000, और यहाँ करोगे तो यहाँ 10,000, 10,000, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसके बाद भी इनमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते, कोई इशू नहीं हैगा, ठीक है ना। जनरल एंट्री हमारी बनी गई है, मैंने मेंशन आपको ऑलरेडी पहले में लिखवा चुका हूँ। हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, ये 4-5 जो क्वेश्चन दिएगा हिडन गुडविल के अंदर हमें अलग से, ठीक है ना। हिडन गुडविल का एक था, उसके नीचे के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक जनरल एंट्री बनाने के लिए हम इतना सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या जनरल एंट्री बनाने की? सबसे पहले गेनिंग रेशियो चाहिए, गेनिंग रेशो फाइंड करें, उसके बाद गुडविल चाहिए। गुडविल ऑलरेडी हमें दे रखे, तो उस गेनिंग रेशो से जो भी आया है हमारा उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अगर दो पार्टनर होते राम और नैयर तो 50,000 इसका, 50,000 इसके नाम, बट तीन पार्टनर थे, ठीक है ना, नैयर और शर्मा, तो राम के तो पूरे 50,000 उसके रेशो के हिसाब से आ गए, ठीक है। नैयर और शर्मा इनका रेशो था 4:1 दिया हुआ, बिहार जस्ट हमने फाइंड करा था, 4:1, 4/5, 1/5 जब क्रॉस करा तो क्या आ गया इसका आंसर? 40,000 और इसका 10,000, ठीक है ना। यही है, मैंने लिख दिया 40 और 10, हो गया 50 बराबर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 20 आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। सेम वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 20 और 21, नहीं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।